हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे फेस ऐप एप्लीकेशन के परमिशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बारे में। जहां दोस्तों आपको पता होगा कि फेस ऐप एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने यंग स्टेज इमेज को ओल्ड स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हाल ही में यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। लेकिन आजकल इसका एक अफवाह यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है कि यह एप्लीकेशन आपकी मीडिया फाइल को एक्सेस करके आपकी डेटा को लीक करती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके परमिशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बारे में। अगर यह एप्लीकेशन आपकी डेटा को लीक करता है तो क्या फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे और जो हम परमिशन दे देते हैं इस एप्लीकेशन को, क्या यह एप्लीकेशन हमारी डेटा को एक्सेस करके लीक नहीं करता? तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसके जो परमिशंस हैं और प्राइवेसी है उसी के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में और इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी एंड पॉलिसी से जो रिलेटेड परमिशन है उसे देख लेते हैं। तो हमने ये गया सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में जाने के बाद हम फिर से गए एप्लीकेशन मैनेजर में, और यहाँ हम वो एप्लीकेशन ढूंढ ले रहे हैं जो कि फेस ऐप नाम से है, और उसके क्या क्या परमिशंस हैं हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि यह एप्लीकेशन यूज करने योग्य है या नहीं। तो हमने फेस ऐप एप्लीकेशन खोला और इसके परमिशन में गया। परमिशन में जाने के बाद यहाँ कॉर्नर पर एक मोर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम ऑल परमिशन शो पर क्लिक किए। तो यहाँ देख सकते हैं फेस ऐप से रिलेटेड इतने सारे परमिशन हैं। हम यहाँ एक एक करके इसको जानते हैं। फर्स्ट जो परमिशन है इसमें दिया गया है कि टेक पिक्चर एंड वीडियोज, यानी कि फेस ऐप आपकी मोबाइल फ़ोन से वीडियोज और फोटोज कैप्चर कर सकता है। उसके बाद है मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट ऑफ योर डिवाइस, यानी कि आपके डिवाइस से या कोई भी इमेज या वीडियो को मॉडिफाई यानी कि एडिट कर सकता है या उसे डिलीट कर सकता है। उसके बाद है रीड कंटेंट और रीड कंटेंट्स योर एसडी कार्ड, यानी कि आपकी एसडी कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड में जो भी कंटेंट है उससे यह रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है फुल नेटवर्क एक्सेस, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है आपके नेटवर्क पर ही चलेगा, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन की अगर डेटा ऑन है तभी ये चल पाएगा। उसके बाद है व्यू नेटवर्क एंड कनेक्शंस, यानी आपकी नेटवर्क और कनेक्शन को ये देख सकता है। उसके बाद है रीड गूगल सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपकी जो गूगल सर्विस से रिलेटेड जितने भी आप ऐप यूज कर सकते हैं उसे रीड कर सकता है। उसके बाद है रिसीव डाटा फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि यह इंटरनेट से कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है प्ले एंड इंस्टॉल रेफर एपीआई, यानी कि जो भी प्ले रेफर करेगा उसे आप प्ले और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थे इनके जो परमिशन, जो कि आपको केयरफुली देख लेनी चाहिए और आप इसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या यह एप्लीकेशन गलत है या सही है। अगर आपको माइंड में आता है कि एप्लीकेशन गलत है तो क्या फेसबुक सही है? चलिए हम फेसबुक के भी जो परमिशंस हैं वो आपको दिखा कर बताते हैं परमिशंस। तो हम गया यहाँ मोर में और क्लिक किया यहाँ ऑल परमिशन पर। ऑल परमिशन पर क्लिक किया तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि उसमें तो दो चार ही परमिशन थे, लेकिन यहाँ तो परमिशन की भरमार पर ही है। फर्स्ट जो परमिशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है रीड के कैलेंडर इवेंट प्लस और सारे जो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ, टेक के पिक्चर एंड फोटो भी है, रीड योर कंटेंट आपकी मॉडिफाई कंटेंट है, फाइंड अकाउंट और डिवाइस बहुत सारे यहाँ पर है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है, ऑडियो रिकॉर्ड करने की आपको इसे दे देते हैं परमिशन। उसके बाद डायरेक्ट कॉल एंड फ़ोन नंबर, डायरेक्ट आपकी फ़ोन और कॉल का भी एक्सेस आप दे देते हैं। मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट इस तरह, यानी कि उसमें जो भी दिए गए थे जो परमिशन कहीं उससे ज़्यादा इसमें परमिशंस है, तो इसके अनुसार तो उससे ज़्यादा क्षतिदायक यह है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये पहले से है, यानी कि इस पर लोगों का कस्टमर का विश्वास जताया हुआ है। लेकिन आपका राय क्या है, कि आपका मानना है सही है कि एप्लीकेशन सही है या गलत है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे अनुसार यह एप्लीकेशन गलत नहीं है, आप इसे आसानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशन हैं जिससे आप परमिशन दे करके ही यूज कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। जैसे जैसे तो ईद में होली।
बाकी सब बस।